नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे, मेरठ में बड़ा हादसा हो गया है। हाई टेंशन तार से एक वाहन टकरा गया और करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, 20 झुलस गए हैं। गांव राली चौहान की एंट्री पर यह हादसा हुआ है। तो हाई टेंशन तार से वाहन टकरा गया है और 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, 20 लोग झुलस गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। मेरठ किला रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ, तो गांव राली चौहान की एंट्री पर यह हादसा हुआ है। तो मेरठ में बड़ा हादसा हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 18 से ज्यादा कांवड़िए जहां झुलस गए, वहीं 5 कांवड़ियों के हादसे में मौत हो गई है। तो सड़क जाम कर ग्रामीणों ने हंगामा किया है, करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, 20 कांवड़िए झुलस गए। तो गांव राली चौहान की एंट्री पर यह हादसा हुआ है, मेरठ किला रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन से टकरा कांवड़, 20 से ज्यादा कांवड़िए इस दौरान झुलस गए, 5 कांवड़ियों की मौत हो गई है। तो सड़क जाम करके ग्रामीणों ने हंगामा किया है, गांव राली चौहान की एंट्री पर यह हादसा हुआ है। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, का बड़ा हादसा ये सामने आया है मेरठ से, जहां पर हाई टेंशन लाइन से कांवड़ टकराने के बाद 5 की मौत हो गई। हाँ जी, देखिए बहुत दुखद हादसा ये है। मैं बता दूं, मेरठ में जहां ईडीजी का आवास है और जिला जेल है, वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। परीक्षित गढ़ और मवाना जो रोड है, उस पर राली चौहान एक गाँव पड़ता है, काफी संपन्न गाँव है ये। वहाँ के कांवड़िए 20 से 22 फुट ऊंची का डीजे कांवड़ ट्रैक्टर ट्रॉली पर बना के लाए थे। गांव के बाहर पहुंचने पर 2 घंटे तक उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क किया और जो आरोप है ग्रामीणों का, उन्होंने बिजली घर से शटडाउन मांगा, क्योंकि कांवड़ ऊंची है और 11,000 की जो लाइन जा रही है वो खेतों के बीच से और सड़क के ऊपर से जो गाँव का मुख्य द्वार है उसके ऊपर होके जा रही है। जब उन्हें कन्फर्म हो गया कि ये लाइट चली गई है, तब वो कांवड़ लेके अंदर की तरफ गए और जैसे ही वो बामुश्किल 500 मीटर अंदर गई गांव के मुख्य मार्ग पर, वैसे ही जो झोल लिया ट्रैक्टर ट्रॉली में, ट्रॉली जब खलंजे पे चलती है तो थोड़ा सा झोल ले लेती है, झोल की वजह से जो टॉप था कांवड़ का वो टकरा गया 11,000 की लाइन से और 18 से 20 युवक जो और बच्चे जो उस कांवड़ जो पूरे डीजे ट्रैक्टर पे बैठे थे वो सारे के सारे झुलस गए हैं। कईयों के तो बिल्कुल बुरी तरीके से जल गए हैं, ये कहिए जो प्रत्येक दर्शी उठा के उन्हें अस्पतालों में ले गए हैं। 5 की डेड बॉडीज के मैंने आपको विजुअल भेजे हैं, जो आनंद अस्पताल में 5 बचाए गए थे वो 5ों के 5 वहाँ मर गए हैं। एडीजी अभी दौरा करके निकले हैं आनंद अस्पताल का। ग्रामीणों ने राली चौहान के सामने, अभिषेक जैसा की जानकारी सामने आई कि जो गाँव के लोग हैं वहाँ पर, जो उन्होंने हंगामा भी काटा है, और प्रशासन की सक्रियता की अगर हम बात करें तो कितना सक्रिय नजर आया प्रशासन? देखिए, प्रशासन की पूरी लापरवाही मानी जाएगी और खासकर विद्युत विभाग की लापरवाही मानी जाएगी। बारिश लगातार हुई है यहाँ कांवड़ के दौरान और 3 बार 11,000 की लाइन मेरठ के माल रोड पर टूट के गिरी है। 4 दिन पहले जिसमें एक गाय झुलस से मर गई थी, एक सदर क्षेत्र में लाइन टूट के गिरी है और ये लगातार डीएम इस बात को बिजली विभाग के अधिकारियों से कह रहे थे कि खंभों पर आप कमियां लपेट दें। और ये जो हादसा हुआ है ये इतना गंभीर हादसा है कि अगर इसमें मृतकों की हताहतों की संख्या बढ़ती है, ग्रामीण अभी भी जाम लगाए हुए हैं, सारा फोर्स जो है बैरंग वापस हो गया है, क्योंकि ग्रामीण जैसे ही 5 लोगों के उनके अपने की मरने की खबर आई है, सारा प्रशासन मौके से भाग खड़ा हुआ है। देहात मौके पे थे, सीओ सदर देहात मौके पे थे और सीओ सिविल लाइन मौके पे थे, सारे फोर्स को लेकर वो पीछे हट गए और मेरठ की तरफ उन्होंने मूव कर लिया है, क्योंकि ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे थे, बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाने लगे थे और कुछ युवकों ने हाथ में पत्थर उठा लिए थे। तो वहां से सारे लोग जितने थे, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल है, लाइट काट दी गई है, सड़क से बिल्कुल अंधेरा पथरा हुआ है, हालात बेहद तनावपूर्ण है। 18 से 20 लोग अस्पतालों में अलग अलग ले जाए गए हैं। 5 की मृत्यु की सूचना आ गई है, ना डीएम फोन उठा रहे हैं, ना एसएसपी फोन उठा रहे हैं, ना एडीजी फोन उठा रहे हैं, ना आईजी फोन उठा रहे हैं, ना एसपी देहात किसी के मरने की पुष्टि कर रहे हैं, ना सीओ सदर देहात जिनका इलाका है वो मरने की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल की वो पर्ची जिस पर मृतकों के नाम खुद अस्पताल के लेटर हेड पे लिखे गए हैं,
उसके विजुअल हम लोगों ने बनाए हैं। जो अस्पताल ने उनको पूरी तरीके से स्ट्रेचर पर मर्द घोषित करके उनको अपनी मोर्चरी में भेज दिया है, वो पुष्ट करता है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो अन्य अलग अलग अस्पतालों में है, जो मेडिकल क्षेत्र के अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उसमें हैं, उनकी भी हालत बेहद गंभीर बताई जाती है। और ग्रामीणों में रोष इस समय बहुत ज्यादा है और अधिकारी सिर्फ अपने बचाव में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जो अधिकारी हैं वो बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं अपने। और ये एक बार फिर से आपको अपडेट दे दूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ स्टेट पर आप देख रहे हैं। काफ़ी ऊंची ये कावर थी और हाई टेंशन लाइन को टच करने की वजह से ये हादसा हो गया जिसमें 5 कावड़ियों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार तमाम तस्वीरें और जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। सड़क जाम करके ग्रामीणों ने हंगामा किया है। अभिषेक, क्या अभी पोस्टमार्टम के लिए उन तमाम शवों को भेज दिया गया है, उनके बारे में जानकारी हो पाई, कहाँ के वो लोग थे, उनके परिजनों को क्या इस बात की सूचना पहुंच पाई अभी तक? देखिए, सारे जो लोग हैं जो झुलसे हैं वो राली चौहान गांव के ही हैं, अपने गांव के मुहाने पे उनके ही आस्था हुआ है। जब वो सारे जल अर्पित करके सकुचल शिवरात्रि पर कांवड़ लाके अपने गांव में पहुंच रहे थे तब ये हादसा हुआ है। घर के दरवाजे पर ये हादसा हुआ है। सारे राली चौहान गाँव के हैं। चापाते शवों को अभी आनंद की मोर्चरी में रखा गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। क्योंकि आनंद हॉस्पिटल पे भी बहुत सारे उनके नाते रिश्तेदार और ग्रामीण जमा हो गए हैं जिनमें बेहद गुस्सा है। वहाँ कैमरे वो नहीं खोलने दे रहे हैं, वहाँ से मीडिया भी पीछे हटा है। और इधर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर जहाँ जाम लगा हुआ है वहाँ पे भी ग्रामीण गुस्से में है। मैंने मौके का जायजा लिया है, आपको वहाँ की सारी तस्वीरें मैंने भेजी है, अगर आप उन्हें चलाएं तो देखिए। बिल्कुल, मैं वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाऊंगा। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। शिवरात्रि पर आज रात राली चौहान जो मेरठ का एक गांव किला रोड पर पड़ता है वहां डीजे कावड़ आ रही थी और 11,000 की लाइन से ये टकरा गई है। टकराने के बाद इसमें पूरे में करंट फैल गया। गांव वालों ने मेन रोड पर जो किला रोड से लेकर मवाना को जोड़ती है उस पर जाम लगा दिया। इन लोगों का कहना है कि बिजली विभाग ने लगातार लापरवाही बरती। जब ये डीजे 20 से अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास 20 से 22 फुट ऊंची ये कावड़ थी, जब ये गांव में प्रवेश करने वाली थी तब यहाँ से फ़ोन किया गया बिजली घर को कि ये लाइन काट दी जाए, करंट रोक दिया जाए जिससे ये डीजे गांव में सुरक्षित पहुँच जाए। अमूमन होता ये परंपरा है कि जब कांवड़ भी कोई लाता है तो पहले हाजरी का जल जहाँ उसने शिवालय के लिए बोला है वहाँ पर चढ़ाने के बाद तिरुदर्शी का जल चढ़ाता है और चौदस का जल अपने गाँव के शिवालय में चढ़ाता है। ऐसे ही करने के बाद ये कांवड़ जो है अपने गाँव के लिए आ रही थी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इन्हें आश्वासन दिया कि हाँ करंट काट देंगे, लेकिन जब डीजे चल रही थी ये कांवड़ आ रही थी, फिर से लाइन जोड़ दी और हादसा इतना भयानक हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रैक्टर का ये पहिया भी करंट की वजह से जल गया और बस्ट हो गया। जितने इक्विपमेंट थे वो सारे बस्ट हो गए। इसमें जो डीजे के लग रहे थे, जनरेटर इसके साथ चल रहे थे और 20 से 22 युवक इस डीजे के साथ चल रहे थे और गांव के लोग, लेकिन 20-22 लोग जो डीजे पर बैठे थे सारे करंट की चपेट में आए हैं। अभी प्रशासन ने हताहत तो 20 से 22 हुए हैं लेकिन क्या समाचार है ये अभी तक नहीं मिल पा रहा, लेकिन गांव के लोग हैं। क्या नाम है आपका? रामरतन है। रामरतन जी, क्या घटना आपको पता लगी और कैसे हुई है? पता लगेगी कि 11,000 के लैन जो है डीजे से टकराई, उससे भ्रष्ट हुआ बहुत तगड़ा। जो इसमें 20-22 बच्चे थे, लड़के थे, वे एकदम से भ्रष्ट हुए। इसमें बहुत तगड़ा करंट लगा, 11,000 के लैन है। 11,000 के लैन तो आदमी को वैसे भी नहीं पकड़ती। 4 बार फोन करा बिजली घर पे, कह दिया कि लैन काट देगा, काटती नहीं। हादसा बिजली घर वालों की वजह से हुआ है। जी, सस्पेंड करना चाहिए। तो आपका भी कोई रिश्तेदार है उसमें? हाँ, हमारे रिश्तेदार है, तो देवता है, मेहमान है, मतलब आपके दामाद। हाँ, और आप महेंद्र से बाल है। अच्छा, उनके बच्चे आप लोगों ने देखा किस तरीके से ले गए, क्या घायलों को क्या हालत सर? ये देख लिए, दो तो बिल्कुल बेहोश थे, उनके पेट वेट में मतलब भ्रष्ट हुआ पड़ा था और यहाँ तक पूरा हाथ चला हुआ था, मतलब पूरा ही सफेद सफेद दिख रहा था। मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नहीं, भगवान से ये दुआ करूंगा कि वहाँ तक अस्पताल तक पहुँच गए सही की उम्मीद। अस्पताल कैसे पहुँचाया उनको?
उन्होंने गाड़ियाँ गाड़ी बजा दी, गाड़ी प्राइवेट गाड़ी किसी की मोटरसाइकिल कोई कुछ कोई टू व्हीलर। हादसा इतना खतरनाक था कि जितने भी हादसा देखा वो यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो कितना खतरनाक हादसा होगा, कोई भी यहाँ पे गांव का भी बंदा नहीं है जी, जिसने देखा होगा वो भी डर के मारो घर चला गया होगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। 20-22 लोग बहुत, इतनी हाइट कम है इस खम्भे की, वहाँ से लाइट कट कराई अंदर ले गए उन्होंने, फिर तुरंत शट डाउन हटा दिया, तुरंत यहाँ से करंट लगा, वो तो सही है, इसमें आग नहीं लगी, जनरेटर का ऑयल तुम देख सकते हो निकला पड़ा है, इसमें अगर आग लग जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। पूरी मैं ये डीजे कामल अगर दिखाऊं तो ये आप देखिए इसकी हाइट पर तक लगभग 20 फुट है ऊपर, और 11,000 की लाइन से ये मिलके चल रही है, और ये सब सब अधिकारियों को ये पता है कि डीजे कावड़ इतनी ऊंचाई पर चलती हैं, ना तो कावड़ की तैयारियों से पहले, क्योंकि मेरठ में 2-3 बार 11,000 की लाइन अलग अलग जगह टूट के गिरी है, जिसमें कुछ जानवर मवेशी चपेट में आए, और वो भी एक हफ्ते पहले माल रोड पर एक लाइन गिरी टूटकर, उसमें एक गाय मरी, सदर में एक लाइन गिरी उसमें एक गाय मरी, और ये डिमांड की थी सब लोगों ने कि इनको कवर अप किया जाए प्लास्टिक से या ऐसे मटेरियल से जो किसी के टच होने पर करंट ना लगे। और इस 11,000 की लाइन को लेकर ये गांव वाले राली चौहान के लगातार ये शिकायत करते रहे हैं कि इसकी हाइट कम है, खंभों की हाइट और ऊपर होनी चाहिए थी, और क्योंकि डाक कांवड़ और डीजे कांवड़ हर साल श्रावण मास में निकलती है, ऐसे में बिजली विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और गांव के आने के रास्ते संकरे होते हैं, सब जानते हैं ये राली चौहान का मुख्य छिलौरा वाला रास्ता है, इसी से सब गांव में आते हैं, और ये डीजे आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसमें ऊपर तक जो कांवड़िए हैं वो बैठे थे, 20-22 कांवड़िए थे, सबको जो जो इसमें संपर्क में था, जो इसमें बैठा हुआ था वो ही झुलसा है, और सबको अलग अलग अस्पतालों में ले गए हैं, DMSSP वहाँ गए हैं निजी अस्पतालों में। वैसे जो सूचना आ रही है वो बहुत खतरनाक आ रही है, गंभीर आ रही है कि हादसा इतना गंभीर था कि बचने की उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद सब यही कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जो 20-22 युवक इसमें घायल हुए हैं वो कैसे ना कैसे अपने जीवन की लड़ाई लड़ जरूर लें और इनके बीच सुरक्षित पहुंच जाएं। हालांकि ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है, SP देहात से लेकर तमाम अधिकारी उनको मनाने में जुटे हैं, लेकिन जो लापरवाही है उसके खिलाफ इनका गुस्सा बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो ये वो कावड़ है, डीजे कावड़, जो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई, और बताया जा रहा है कि 5 कावड़ियों की मौत हो गई है, और तकरीबन 20 से ज़्यादा जो कांवड़िए हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और हर कोई उनकी सलामती की दुआ कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब नजर डाल लेते हैं देवभूमि एक्सप्रेस पर।